वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का मानना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का मामला अब राजनीतिक बनता जा रहा है। सीतापुर में राज्यपाल ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विचारों की आजादी तो सबको होनी चाहिए, लेकिन आजादी ऐसा रूप न ले ले कि वह देश के विचारों के लिए खतरनाक हो जाए। आपको बता दें कि राज्यपाल राम नाईक ने सीतापुर जिले में तीर्थनगरी नैमिषारण्य का भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और इसके बाद राज्यपाल राम नाईक ने स्वामी समर्थ रामदास जी मूर्ति की स्थापना की और इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक ने नैमिषारण्य के महत्व पर प्रकाश डाला। विचारों की आजादी तो सबको होनी ही चाहिए, इतना ही नहीं तो विचारों को दिशा देने का काम विश्वविद्यालय करते हैं, महाविद्यालय करते हैं और इसलिए वहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता ऐसा रूप न ले कि जो देश के विचारों के दृष्टि से खतरनाक हो। पार्लियामेंट में, विधानसभा में, विधान परिषद में कैसे व्यवहार हो इसके बारे में नियम बने हुए हैं और नियमों का पालन सभी ने करना चाहिए, ये देखने की जिम्मेदारी एक दृष्टि से पार्लियामेंट्री मंत्री पर भी होती है और उसने जो संविधान और परंपरा इसके विरोध में राज्यपाल पर व्यक्तिशः बोलना यह मर्यादा का उल्लंघन है।